राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परेशानियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चुनौतियां बढ़ती जा रही है। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब से कांग्रेस ने एक नेता एक पद का फॉर्मूला जारी किया है, यानी कि एक नेता एक पद पर ही बना रह सकता है, उसके बाद से अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के मंत्रियों में भूचाल मचा हुआ है और अशोक गहलोत के मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि वे एक पद पर नहीं बल्कि उनके पास कई पद मौजूद है। और साथ ही सचिन पायलट का जो गुट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के पास जो उनके मंत्री है उनके पास कहीं ना कहीं एक पद पर ही मौजूद है और बाकी मंत्रियों को अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया है। अगर कांग्रेस पार्टी में एक पद एक नेता का फॉर्मूला लागू होता है तो अशोक गहलोत के कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और उसके चलते सचिन पायलट का गुट कहीं ना कहीं पावरफुल यानी कि मजबूत हो जाएगा और उसके चलते सचिन पायलट अशोक गहलोत पर हावी भी हो सकते हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबरें ये भी सामने आई है कि सचिन पायलट को महासचिव बनाया जा सकता है और कभी भी शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत की परेशानियां कम हो सकती है। अगर साफ तौर पर आपको बता दें तो राजस्थान में कुछ भी ठीक नहीं है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कभी भी कुछ भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लगातार अशोक गहलोत सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं और कभी सचिन पायलट भी मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाते हैं और अशोक गहलोत मुलाकात के बाद अलग बयान देते हैं और उधर सचिन पायलट भी अलग बयान देते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है और कभी भी कुछ भी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी में एक बार एक नेता का फॉर्मूला यदि लागू होता है तो सचिन पायलट का गुट पावरफुल नजर आएगा और अशोक गहलोत की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब सोनिया गांधी क्या कुछ बड़ा फैसला करती है और सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।